नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीते दिनों सेंट्रल बैंक के 11 लॉकरों से हुई करोड़ों रुपए की चोरी के बाद एक बार फिर फूलबाग स्थित बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा से भी 45 से 50 लाख रुपए का माल चोरी करने का आरोप लगाते हुए बैंक के ग्राहकों ने प्रदर्शन किया है। ग्राहकों ने बैंक के बाहर नारेबाजी की और बैंक सीएमडी एके दास के खिलाफ विरोध भी किया। आपको बता दें कि आरोप है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बैंक प्रबंधन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। इनकी कस्टडी में हमने अपना सब कुछ सामान रखा था और इन्होंने हमारा, इनके सब मिली भगत से सारा सब काम हमारा हो गया और हमारा सब कुछ चला गया। अभी अभी हम लोग को पता लगा बैंक ऑफ इंडिया में कुछ दिन पहले गोस्वामी परिवार का भी पूरे जीवन भर का धन, उनका जो सोना था, उनके जेवर थे, वो भी यहाँ पे डकैती होके चोरी हो गए। तो एक महीने में 11 लोगों के लॉकर चोरी हुए। लॉकरों से लगभग 3.5 करोड़ रुपए की जेवरात चोरी हो गए। बैंक मैनेजर समेत 5 लोगों को पुलिस ने इस मामले में जेल में भेजा है। अभी तक सिर्फ 450 ग्राम जेवर ही मिले हैं। कराची खाना सेंट्रल बैंक के 9 लॉकर चोरी हो चुके हैं। बैंक के अभी आधे लॉकर चेक होने बाकी हैं। बैंक ऑफ इंडिया के भी लॉकर चोरी हुए जिसमें 45 से 50 लाख का माल चोरी का आरोप ग्राहक लगातार लगा रहे हैं और इसको लेते हुए मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और अवनीश इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हमारे संवाददाता। अवनीश, एक महीने का वक्त हो चुका है और इस तरीके की चोरियां थम नहीं रही और एक बार फिर से ऐसे मामले सामने आए हैं, क्या कुछ कर रही है पुलिस पूरे मामले को लेके? देखिए, पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें बराबर इसमें लगी हुई हैं और जो आरोपी जेल भेजे गए थे उनमें बैंक के अधिकारी भी थे और बैंक के कर्मचारी थे, उन सभी को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा रही है और बराबर जो जहाँ जहाँ इन लोगों ने जो जेवर पार किए थे वो जिन ज्वेलर्स को बेचे थे उन ज्वेलर्स के यहाँ भी पुलिस ने छापेमारी की है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरे मामले बैंक प्रबंधक कुछ ही बोलने को तैयार नहीं है, ना ही खुलकर सामने आ रहा है, ना ही कोई जिम्मेदारी से कोई जवाब देने को तैयार है। और तो जो बैंकिंग लोकपाल बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये समस्या बैंक को कोई समस्या बताइए, लोग बैंकिंग लोकपाल तक जा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बैंकों का जो प्रबंधन है वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई चल रहा है, यहाँ सिर्फ सीएमडी लेवल की कोई बात करें तो ऐसे मैनेजर और डिप्टी मैनेजर लेकर के रीजनल मैनेजर ब्रांच हेड तक लोग बैठाले जा रहे हैं जो कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे रहे हैं जो ग्राहकों को संतुष्ट कर सके। ग्राहकों की गाड़ी कमाई का पूरे जीवन का पैसा, रुपया, जेवरात जो और जरूरी सामान वो चोरी हो चुका है कि कोई भरपाई कोई नहीं कर सकता है। जी अवनीश, लेकिन बड़ा सवाल ये है जिसका जिक्र भी आप लगातार कर रहे हैं, लोगों की गाड़ी कमाई एक झटके में चली जा रही है, बैंक चुप-चुप है, आखिरकार कोई इस पर बोल क्यों नहीं रहा है? अवनीश, देखिए, रुमाल दे रहे हैं बैंक के लोग सिर्फ ग्राहकों को कि रुमाल लीजिए, अपने आंसू पहुंच दीजिए, तो ना पुलिस कुछ कर पा रही है, ना ही बैंक प्रबंधन कुछ करने को तैयार है, ना बैंक के जिम्मेदार अधिकारी कुछ करने को तैयार है। और तो और जो जिन लोगों ने पूरी जिम्मेदारी ली थी, जो जिम्मेदार लोग थे, वो भी अब सामने आने कतरा रहे हैं क्योंकि मामला थोड़ा बहुत नहीं करोड़ों रुपए का है, इसमें जेवर भी है, नकदी भी है। हालांकि कुछ ज्वेलर्स को उठाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है जिन्होंने जेवर गला दिए हैं, चोरी के जेवर थे, लाकर चोरी करके वहाँ बेचे गए, बैंक अधिकारियों ने स्वीकार भी किया। लेकिन अभी भी पुलिस की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं बहुत नगण है। पुलिस ने अगर समय रहते कार्रवाई की होती निश्चित रूप से इनका जेवरात बरामद हो जाते, इनका पैसा बरामद हो जाता, निश्चित रूप से कार्रवाई पुलिस करती तो ये ऐसा ना होता। जी शुक्रिया अवनीश इस जानकारी के लिए आपका। तो अगर वक्त रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद इस तरीके की घटनाएं सामने ना आती।